कहे के तसब के हुआ पन गुड़की पतर की रे मारे गुललवाजी। नमस्कार, मैं हूं सुनिधि। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के कॉमेडी किंग राहुल जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके इस सफर के बारे में और उनके लाइफ से जुड़े अन्य चीजों के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले जितना आपके देखने वाले हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और आपको भी नमस्कार और जिसने यहाँ बुलाया उसको भी नमस्कार। सर, हम आपके लाइफ से जुड़े बाकी चीजों के बारे में तो जानेंगे, आपके फिल्मी सफर और बाकी स्ट्रगल्स के बारे में, पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? एक्चुअली मैं तो जन्म पटना में लिया हूँ, लेकिन मैं मूलतः रहने वाला हूँ बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के पुरंदरपुर गाँव, जो गोरिया कोठी में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी स्टार्टिंग शुरुआत पढ़ाई मेरी पटना में हुई और बाकी हाई स्कूल, कॉलेज, इंटर तक मैंने रांची से किया है, गौसनर स्कूल से। और बीए जितना ग्रेजुएशन था बीए मैंने किया है पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से पटना में ही हम लोग ज़्यादा ज़िंदगी बिताए। जी सर, एक तो ये हुआ कि आप पटना के रहने वाले हैं, आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आपको कॉमेडियन बनना है? बचपन से मुझे आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक़ था। शौक मतलब यह कि मैं ढोलक बजाना शुरू किया, घर में तबला बजाना शुरू किया, मतलब तबला मीन्स बक्से पे बजाया ढोलक, तबला बजाते बजाते रिदम में आ गया। तो एक दोस्त था मेरा, वो मुझे ले जाता था काली श्रृंगालय, नाम उसका नहीं लूँगा चूँकि बहुत इग्नोर किया मुझे वो। उसने काम तो नहीं दिलाया, लेकिन मैं उस दिन सोच लिया था कि तुमसे अच्छा एक्टर मैं हूँ। तो फिर मैंने प्ले ज्वाइन किया रांची में, एक्टिंग शुरू करना शुरू किया और साथ साथ ऑर्केस्ट्रा भी स्टार्ट किया और मैं एज ए किशोर कुमार सिंगर गाना शुरुआत किया। वहाँ से मेरी आर्टिस्ट बनने का जो मेरा ख्याल था वो शुरू हो गया, तब से आज तक मैं कर रहा हूँ। जी सर, आपने जब ये डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, एक्टिंग करनी है, कॉमेडियन बनना है, तो आपके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो पूरा ही रहा, क्योंकि माँ जानती थी मेरी, फादर मेरे जानते थे कि मैं एक्टर हूँ, मेरे फादर भी अच्छे सिंगर थे, उनको मैं सुनता था गाना गाते हुए, मुकेश का गाना गाते थे। जब वो मुकेश का गाना गाते तो लगता था कि मुकेश साहब गा रहे हैं, तो मुकेश साहब का गाना सुनता था बचपन से मैं। तो कभी मेरी माँ ने कभी नहीं बोला कि तुम इस लाइन में, बोली कि तुमको तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन मैं साइंस पढ़ा नहीं, तो मालूम जो तुमको करना है सो कर। भोजपुरी बोलती थी, जाते जे तरह करे के बाद तू करो, अब तो तरह पर छोड़ ही दिल बनी, तुम्हारे मर्जी बा। सर, तो ये जो उनकी लाइन थी कि जे करे के बाद करा, वो खुश होके बोलती थी या एक रहता था कि मैं तो इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ बट ये किसी और लाइन में जा रहा है? नहीं, माँ खुशी रहती थी, ऐसा कुछ दबाव नहीं बनाए कि तुम डॉक्टर नहीं बने हो, तो डॉक्टर नहीं तो एक्टर तो बन ही गया। और माँ के सामने माँ के सामने मैंने करीब करीब 50 पिक्चर मैंने किया और माँ मेरी पिक्चर देखती भी थी, लेकिन मेरी माँ मेरी तारीफ करती नहीं थी, बोली तुहार तारीफ कर तो तू ज़्यादा नाक पर चढ़ जीबा, तब फिर तू काम ना कर पाइब। तो मैं गुस्सा भी होता था माँ के ऊपर कि तू तो मजाक बना ली, लेकिन बाद में मेरी बहुत तारीफ करती थी, पीठ पीछे तारीफ करती हाँ, थी, बहुत तारीफ मेरी माँ करती थी और खुश भी थी, बहुत से बोलते थे कि मेरा बेटा फिल्म में काम कर रहा है, बहुत को मेरी पिक्चर दिखलाती थी। अब तो माँ नहीं रही, 2 साल पहले एक्सपायर कर गई, तो थोड़ा गम है माँ का। सर, आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने से पहले काफी जगहों पर काम किया, अलग अलग फील्ड में, मतलब रिलेटेड तो सब इंडस्ट्री से ही थे बट अलग अलग चीज़ों में, जैसे कैमरा पर्सन के तौर पे या अलग अलग तरह के काम किए हैं, उस बारे में कुछ बताइए अपने स्ट्रगल फेज के बारे में। हाँ जी, मैं तो एक्चुअली सिंगर था, अनाउंसर था, तो जब फिल्म में मुझे काम करना था तो लोग किसने बोला कि कुछ कैमरा सीख जाओ, कुछ बीच सीख जाओ, तो मैंने एज ए कैमरा सीखा। एक कैमरा मैन है पटना में, बहुत मैं उनको गुरु मानता हूँ, राजकुमार राहुल जी, मैं उनका असिस्टेंट बना, उनके साथ बहुत सारे एल्बम में मैंने किया। उसके बाद मैंने ईटीवी बिहार में नौकरी पाया एज ए स्ट्रिंगर, उसके बाद समय न्यूज में गया, उसके बाद पीटीएन में भी मैंने काम किया, पीटीएन वाले आज तक पहचान मुझे नहीं दिए
तीन महीना काम करा के उसमें भी काम किया। उसके बाद मैं पटना में एक पिक्चर बनने वाली थी जिसका नाम था चाचा भतीजा, जिसके डायरेक्टर थे बाली जी, और पटना में एक पीआरओ था प्रशांत निशांत, आज का बड़ा प्रोड्यूसर है वो। तो आया मेरे पास, बोला कि भैया चलिए इंटरव्यू करना है बाली जी का। तो बाली से पहला मिलाने वाला वही है मेरा। तो मैं बाली से मिला, तो बाली से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं एज ए एक्टर काम करना चाहता हूँ। बोले क्या किए हो? मैंने बताया अपने बारे में, मैंने नाटक भी किया है और सिंगिंग भी किया है। तो बोले ठीक है, एक रोल है तुम कर लो। तो उन्होंने एक रोल दिया मुझे छोटा सा, तो वन टेक ओके हो गया। उसमें रॉ स्टॉक चलता था, तो वन टेक ओके हो गया। तो उसके बाद मेरी, मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फिल्मों में काम करना चाहिए। उसके बाद मैं सारा चीज़ छोड़ करके ऑर्केस्ट्रा सिर्फ रखा, सिंगिंग करता था। और उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, अब बॉम्बे मुझे जाना है। तो 2010 में मैं बाली जी के कहने पे ही बॉम्बे आ गया। सर, जैसा कि आपने बताया आप सिंगिंग भी करते थे, तो कुछ दो लाइंस जो आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहें। एक मुकेश साहब का गाना है जो कि वावरे नैन फिल्म का है, 1951 में आई थी। राज कपूर उसके हीरो थे, डायरेक्टर थे शायद केदार शर्मा। उसमें गाना था, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले मैं सजदे ने गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। बाहर आई थी किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया, बाहर आई थी किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया, जलाया आशियां सयाद ने पर नोच डाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। वाह सर, बहुत खूब। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने ये सिंगिंग एक्टिंग सीखी कहाँ से? मेरा कोई गुरु नहीं जी, सब भगवान मेरा गुरु है, गॉड गिफ्ट है। और गाने का जहाँ तक है, मैं अपने फादर से ही सीखा। उनको गाना, मैं उनका गाना मैं सुनता था तो लगता था कि हाँ। लेकिन मुझे ब्रेक दिया बिहार के टॉप ऑर्केस्ट्रा था ऑन मौसमी, उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। और पटना के श्री कृष्णा मेला लगा था हार्डिंग पार्क में, तो वहाँ मुझे बुलाया और मुझे गाने का मौका दिया। इसका नाम था फर्स्ट टाइम देखो तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, एक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, एक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, दिल क्या चीज है जानम अपने जान तेरे नाम करता है। ये गाना मैं पहली बार गाया था। तो जैसा कि आप एक कॉमेडियन के रूप में जाने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, बाकी इंडस्ट्रीज में भी, मगर क्या आपने एज अ कॉमेडियन के अलावा भी किसी तरह के रोल्स किए हैं या सिर्फ कॉमेडी ही रोल्स किए हैं? नहीं जी, मैंने एक फिल्म किया था लड़ाई, जिसमें मेरा करेक्टर सलीम लंगड़े का था, जिसके डायरेक्टर थे अनिल घटराज जी, अवार्ड विनर है, नेशनल अवार्ड विनर है वो डायरेक्टर उसके थे। तो मैं उसमें एक बहुत अच्छा इमोशनल रोल किया था कॉमेडी से हट के। आप वो पिक्चर देखेंगी तो एक बार लगे कि क्या राहुल श्रीवास्तव ही है क्या, वो या कोई अलग है, ऐसा है। और एक फिल्म मेरी आ रही है सूरज द रिवेंजर मैन, उसमें मैंने एज ए विलेन काम किया है, तो थोड़ा सा हट के किया है मैंने। सर, और जब कैमरे के सामने, एक तो आप कैमरे के पीछे भी काम कर चुके हैं, जब आप कैमरे के सामने गए वहाँ एक्टिंग करने के लिए, तो वो कितना कठिन होता है? बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जब भी मैं कैमरे के सामने जाता हूँ तो मेरा दिल बहुत धड़कता है, पता नहीं क्या होगा, मतलब एक हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती है, बहुत अंदर से डर फील करता हूँ। हाँ, जब पहला टेक हो जाता है तो मैं रिलैक्स होता हूँ, लेकिन फर्स्ट डे मुझे बहुत डर लगता है कैमरे से और पूरा शरीर मेरा कांपता है फर्स्ट डे। लेकिन सेकेंड मतलब शॉट से मैं हिल मिल जाता हूँ और काम करने मजा आता है। तो आपको तकरीबन कितने साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए? करीब करीब 13 साल मुझे हो गए। मैं 2006 में या 7 में मैंने पिक्चर किया था चाचा भतीजा, उसके बाद से कंटिन्यू में आ रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल भी किया हूँ और अभी तक जिंदगी जो मेकअप तो लग रहा है फेस पे, ये आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार मोहब्बत है, भगवान का करम है कि मैं मेरे चेहरे पर आज तक मेकअप लग रहा है।
सर, आप एक दशक से ज्यादा से इस इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, तो तब की इंडस्ट्री और अब की इंडस्ट्री में कितना अंतर है? तो खास तो नहीं है, पहले इज्जत ज्यादा मिलती थी, अब इज्जत कम मिलता, पहले पैसा ज्यादा मिलता था, अब पैसा कम मिलता है। पहले पिक्चर में कहानियां अच्छी होती थी, अब कहानी उतनी अच्छी आती नहीं है, कुछ कुछ पिक्चर को छोड़ करके। अंतर तो आया है, अब तो डिजिटल हो गया, पहले हम रॉ स्टॉक पर हम लोग काम करते थे, अब तो डिजिटल हो गया है, तो अंतर तो बहुत सारा चीज़ों का है। अब शॉट अच्छे अच्छे बनने लगे हैं, पहले शॉट उतना अच्छा नहीं बनता था, अब शॉट अच्छे अच्छे बनने लगे हैं, जिमी जीप आ गया, ड्रोन आ गया, तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है काम करने में, और आजकल क्वालिटी भी अच्छी हो गई है, तो चेंज तो हुआ है। सर, जैसा कि हम जानते हैं आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं कॉमेडी के लिए, आपने कॉमेडी जितनी की है उसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए। जी, मुझे अवार्ड तो मिला है, पटना में भी मिला है, मुंबई में मिला है, दिल्ली में भी मिला है। दो बार तो अवार्ड मुझे मिला है, एक बार मिजोरम के राज्यपाल से, एक बार त्रिपुरा के राज्यपाल से, और एक बार मिला है मुझे दिल्ली में अजय माकन साहब से, कॉमेडी किंग का 10वां भोजपुरी महासम्मेलन में, और एक बार मिला था मुझे मुंबई में सबरंग अवार्ड 2018 में कॉमेडी किंग का। इसी तरह कायस्थ रत्न मिला है, बहुत सारे हास्य अभिनेता का अवार्ड मुझे मिला है, भिखारी ठाकुर सम्मान मिला है, करीब करीब मुझे 150 करीब मैं पुरस्कार जीत चुका हूँ। सर, एक इंडस्ट्री जहाँ कॉमेडियंस को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी मिलनी चाहिए, वहाँ आपको जब रिकॉग्नाइज किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कॉमेडियन हूँ तो काम मुझे मिल रहा है, ये मेरे सौभाग्य की बात है, एक काम करो, और जब मुझे रिकॉग्नाइज करता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान का मूड कुछ और होता है और रोल कुछ और करना होता है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप सैड मूड में हो और आपको एक कॉमेडी सीन करना पड़ा? जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। एक फिल्म में कर रहा था वीडियो साहब, तो मेरे साथ जो घटना घटी, मुझे तो मतलब दिल रो जाता है कहने पे। मैं एक फिल्म में पटना, मेरी माँ मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती थी, मॉडर्न हॉस्पिटल में, आईसीयू में थी, और उसी वक्त मेरी शूटिंग चल रही थी छपरा में वीडियो साहब की। तो डायरेक्टर को मैं बोलते रह गया कि भाई मेरी माँ बीमार है, तो लिंक बोला नहीं मुझे लॉस हो रहा है, पाइए। तो मैं माँ को आईसीयू में छोड़ करके और मैं शूटिंग कर रहा था, जो कि कॉमेडी सीन था मेरा, लेकिन मैं अंदर से बहुत सैड था और बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन में भी था कि माँ मेरी कैसी होगी। शॉट दे रहा हूँ लेकिन माँ के ऊपर मेरा ध्यान चला जा रहा है, इसमें मेरा रिटेक भी होता था तो डायरेक्टर मुझे डांटता भी था, रिटेक मत करो राहुल, मेरा ऐसे लॉस हो रहा है, ऐसे लॉस हो रहा है, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था माँ के चलते, लेकिन फिर भी मैंने वो काम किया और मेरी माँ साईं बाबा की कृपा से बहुत अच्छी तरह से घर वापस आ गई, उस वक्त आ गई थी। तेलुगु पिक्चर करने वाला हूँ मैं। सर, तेलुगु पिक्चर को ज़्यादा वैल्यू देने की कोई खास वजह? हाँ, खास वजह यह है कि अब तेलुगु सिर्फ साउथ में सिमट के नहीं रह गया, होल इंडिया होल वर्ल्ड में अब हो रहा है। अब टीवी चालू करें तो सब चैनल लगभग कोई ना कोई साउथ की पिक्चर चलते रहती है डब होकर के, तो अब पहचान, जैसे भोजपुरी की पहचान अभी साउथ में नहीं है, मैं साउथ में जाऊँ तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन हिंदी वाले तेलुगु वाले हैं कि यार कोई भी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ जो भी चार भाषाएं वहाँ हैं उसकी पिक्चर अगर टीवी पे देती है सब उसके आर्टिस्ट को बिहारी लोग भी पहचानते हैं, यूपी के लोग, पूरा इंडिया उसको पहचानता है, तो ये फर्क है हम लोग में। सर, तो आप भोजपुरी के अलावा तेलुगु और हिंदी की भाषाओं में काम करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? जी, चूँकि उसमें नाम भी है, शोहरत भी है और पैसा भी है, और भोजपुरी में बस भोजपुरी तो समझिए कि मेरा मदर टंग है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी में कोई तवज्जो नहीं कोई देता है जी। हम जैसे कलाकारों को न के बराबर इज्जत मिलती है, सच्चाई यही है। पब्लिक भी चूँकि भोजपुरी में इतने गंदे गंदे गाने आने लगे ना, तो मैं भी चलता हूँ तो बोलते क्या वो पिक्चर काम करना, ये भोजपुरी का आर्टिस्ट है, इस तरीका से होता है तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल के राइटर जितने हैं और गायक को तो गायक भी हैं कुछ लोग, राइटर वो हैं जिसको कुछ लिखने नहीं आता है, जिसको ज्ञान नहीं है न हिंदी की न भोजपुरी की, वो लोग राइटर बने हैं, अनपढ़ गंवार हैं पूरी तरह से, और गाना लिखते हैं वो लोग, उनके गाना हिट करता तो बोलता कि पब्लिक यही चाहती है, नहीं, पब्लिक पुराने ज़माने में पब्लिक यही थी,
पब्लिक इंसान तो बदला नहीं है, इंसान की फितरत बदली है लेकिन इंसान नहीं बदला है। तो पुराने जमाने में गाने आते थे, कहे के तसब के हुआपन, आपन कहावे वालके बा, इस टाइप के गाने आते, बहुत सारे ऐसे गाने थे। गुर की पतर की रे मारे गुलेलवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। अब ऐसे गाने नहीं थे। अब अपवाद में जो अच्छे राइटर हैं भोजपुरी के जी, जैसे प्यारेलाल कवि जी, उनके उनके किसे विनय बिहारी जी, उनके किस सुनी तो लगेगा कि हाँ ये लोग राइटर हैं। बाकी आज का तो छिछोरा वाले राइटर लोग आ गए हैं, उनको कुछ नहीं आता है फिर भी राइटर है। तो थोड़ा सा मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ भोजपुरी फिल्म करने में। सर आपकी आपकी लाइफ में आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? माँ और वाइफ, दूसरा कोई नहीं। सर वो इंसान जो पर्दे पे कॉमेडी करके सबको हंसाता है, उस इंसान की रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट, जो कोई अनसुनी कहानी जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, बहुत अच्छी कहानी है और एक सच्चाई है। मैं पटना गया, पैसेंजर से गया जा रहा था, मैं और मेरी वाइफ थी, तो हमने एक सीट पे बैठ गया और किसी नए जोड़े की शादी थी, विदाई करा कर रहा था, तो गमछा कंधे में टांगा हुआ, वो भी काला काला पूरा काजल लगाए, पत्नी भी साथ में, उसके अटैची उसके साथ में, तो मेरे सामने बैठे थे, तो मैं उसको देख रहा था। मैं इसलिए देख रहा था उसको कि नहीं दुल्हन है, तो मैं इसको देख रहा था, उसका पति मुझे देख रहा था, तो मैं कुछ बोले सिर्फ उसको मैं देखे जा रहा था। तब तक वो लेडीज बोली, उसको मघी बोली, ए जी देखते हो मर्दवा हमारा बड़े जोर से देखते हो। तो बोला कि जाए दिन देखे दही ना, ना ना बहुत जोर से देखते ही देखा। तो हमसे आके पूछा कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि मेरी वाइफ को तुम क्यों देख रहे हो? हमने कौन सी वाइफ, सामने बैठी उसको क्यों देख रहे हो? एकदम सच्चाई घटना है जी। तो मैं बोला मैं तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, मेरी बीवी बोली है कि आप उसको देख रहे हैं। तो मैंने पूछा तुम्हारी बीवी को कैसे पता चला कि मैं उसको देख रहा हूँ? यानी को भी मुझे देख रही है? तो दोनों में हुआ झगड़ा, मैं तुम भी देख रही थी ना उसको। ये फनी जिंदगी में मेरा गुजरा है और दो तीन घटना ऐसी मेरे साथ गुजरी है जो कि पब्लिक में शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या है कि मैं सोफा पे गर्म हलवा रखा था और नहा करके मैं उसी पे बैठ गया। टेबी जिंदगी बहुत फनी मतलब लाइफ थी मेरी। वो ऐसे घटना कुछ घटे हैं। सर चलते चलते एक बार हमारे दर्शकों को आप अपने फेवरेट किशोर कुमार का एक कोई गाना सुना दें। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। सर अब जाते जाते एक ये सवाल का भी जवाब आप दे दीजिए, आप गाते भी इतना अच्छा है तो आपने कभी सिंगर बनने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, अच्छा सवाल आपका है। बहुत दोस्त लोग तारीफ करते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गा सकते हैं, लेकिन आजकल के सिंगर के दौर में मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि भोजपुरी में मेरी मदर टंग भोजपुरी है लेकिन मुझे भोजपुरी गाने नहीं आती है। मैं सुन के भी पूरी तरह से गाना गा नहीं सकता, क्योंकि भोजपुरी का स्किल जो होता है बहुत हाई होता है, एक लो होता है एक हाई होता है, आ, 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 इस टाइप का होता है, तो वो मैं नहीं कर। मैं चाहता हूँ कि गाऊँ तो हिंदी गाना गाऊँ, गज़ल गाऊँ या जो भी मतलब मेलोडी सॉन्ग है उस टाइप का मैं गाना गाऊँ, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया। बहुत लोग दोस्तों बोलते हैं कि तुम गाओ, लेकिन मुझे भोजपुरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज? दर्शकों का मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्वस्थ रहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और कभी भी किसी के बारे में बुराई मत कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए और लाइफ बहुत, जिंदगी बहुत लंबी है, प्यार मोहब्बत से जिंदा रहिए और मास्क जरूर पहन के निकला कीजिए। सर हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप देख रहे थे द फुल वॉल्यूम,
जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।